tradesmen gives 4% discount on the marked price and one article free with every 15 articles bought and still gains 35%. The marked price is more than the cost price by. देखो नॉर्मल सोचो, जो क्वेश्चन में गिवन है उस तरह से सोचने की कोशिश करो. यहाँ पे टोटल बिजनेस कितने का है? अगर उसने 15 आर्टिकल सेल करा है तो एक आर्टिकल फ्री में भी दिया है, तो अज्यूम कर लो कि टोटल उसने 16 आर्टिकल का बिजनेस करा. तो मान लो 16 आर्टिकल है और एवरी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, सो दैट आप इजिली सॉल्व कर पाओ. तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? वो टोटल सीपी हो जाएगा 1600. ये क्लियर है? और यहाँ पे 35% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना आएगा इसी 1600 पे 35%? तो टोटल प्रॉफिट कितना निकालोगे? टोटल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? सिंपली लिखोगे 16 × 35. तो ये वैल्यू कितना आएगा? 16 × 5 = 80 और ये 56, तो 560. दैट इम्प्लाई जो टोटल सेलिंग प्राइस होगी उसकी 15 आर्टिकल से, वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए जो इसका कॉस्ट प्राइस था 1600 और प्लस टोटल प्रॉफिट 560. दैट इम्प्लाई ये वैल्यू होना चाहिए 2160. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो 16 आर्टिकल बेच रहा है तो उसमें वन आर्टिकल क्या है? ये फ्री है. तो वो जो टोटल इनकम उसका होगा वो कौन जनरेट करेगा? वो तो 15 आर्टिकल ही जनरेट करेगा. सेशन तो पर आर्टिकल प्राइसिंग कितनी होगी? पर आर्टिकल की प्राइस अगर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2160 / 15. तो ये वैल्यू कितना आएगा? 15 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 × 1 = 6, 15 × 4 = 60, 6 again 144. तो ये प्राइस आएगा 144. लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्राइस आएगा 144 का, वो 4% डिस्काउंट देने के बाद है. तो 4% का क्या मतलब होता है? 4% का मतलब होता है 1/25. आपने 1/25 का डिस्काउंट दिया है. इसका क्या मतलब है कि अगर 25 रुपए का आइटम होता तो उस पर 1 रुपीज का डिस्काउंट है. इट मीन्स इफेक्टिव प्राइसिंग 24/25 है. तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे? रिवर्स से मल्टीप्लाई करोगे. तो आपका मार्क प्राइस कैसे निकालोगे? सिंपली आप क्या लिखोगे? 144 × 25/24. 24 से ये 6, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 150. तो यहाँ से मार्क प्राइस सीपी से कितना ज़्यादा है? सीपी आपने 100 लिया था, तो ये 150 है, तो ये टोटल 50% ज़्यादा है. तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.